दोस्तों हुंडई की अजेरा एक प्रीमियम लग्जरी सेडान कार है जिसको हुंडई कंपनी ने सबसे पहले 1986 में लॉन्च किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि हुंडई कंपनी ने इसको अजेरा नाम दिया था 2005 में। हालांकि इसका जो फर्स्ट जनरेशन मॉडल था उसका नाम था ग्रैंडियोर, यानी इसको ग्रैंडियोर नाम से बेचा जाता था लाइक 1986 से 2005 तक। तो इस कार को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसका जो एक्सटीरियर का डिजाइन है काफी हद तक कमाल का है। पर्सनली मुझे इसका लाइटिंग सेटअप बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उसके बारे में हम अगर डिटेल में बात करेंगे। और इसके इंटीरियर में मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेवल के फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, मतलब इसकी प्राइस जानकर आपको डेफिनेटली शॉक लगने वाला है। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ग्लोबल मार्केट में इस कार के अंदर अलग अलग इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे कि 2.4 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इसके अंदर दिया जाता है। इसके अलावा 2.5 लीटर 4 सिलेंडर जीडीआई पेट्रोल इंजन भी इसके अंदर अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको V6 इंजन का ऑप्शन भी मिल जाएगा, हालांकि ये V6 इंजन कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है। इसके अलावा कंपनी ने इसके अंदर 2.2 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो आपको बहुत सारे इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आप V6 इंजन के साथ जा सकते हैं। तो इस कार के अंदर आपको काफी कमाल के इंजन स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे। वही अगर मैं इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करूं तो पर्सनली मुझे इस कार का इंटीरियर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब इसके इंटीरियर में आपको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और काफी प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल इस कार के इंटीरियर में किया हुआ है। सबसे अट्रैक्टिव चीज है इसके इंटीरियर में कनेक्टेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल। आपने एस क्लास के प्रीवियस मॉडल के अंदर कनेक्टेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखा होगा, तो सेम टाइप का कंसोल आपको हुंडई की अजेरा के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस कार के इंटीरियर में काफी प्रीमियम लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है और इसका जो सीटिंग कॉन्फिगरेशन है, मतलब इसके सीट से आपको काफी हद तक मर्सिडीज की एस क्लास की याद दिला देंगे। आप स्क्रीन के ऊपर कुछ इमेजेस या फिर वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन इसका जो डिजाइन है स्टीयरिंग व्हील का ये तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हुंडई कंपनी ने इसके अंदर काफी क्रोम का इस्तेमाल किया हुआ है और बहुत सारे बटन्स ऐसे हैं जो कि आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाएंगे। जिस तरीके से इसका इंटीरियर का डिजाइन है, सिमिलरली काफी कमाल का इसका एक्सटीरियर लुक आपको देखने को मिल जाएगा। इसका फ्रंट फीशा भी काफी ज्यादा कमाल का है और इसका रियर का फीशा देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे तो पर्सनली इस कार का लाइटिंग सेटअप बहुत ज्यादा अच्छा लगा। स्क्रीन के ऊपर आप इसके रियर फीशा को देख सकते हैं। इसका जो का टेल लाइट का डिजाइन काफी हद तक कमाल का है, रात के समय में तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज्यादा कमाल का लगने वाला है। इसके अलावा आप इसके रियर में अजेरा की बैजिंग भी देख सकते हैं, हुंडई की बैजिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो साइड से भी दिखने में ये काफी हद तक जबरदस्त लग रही है। इसके फ्रंट फीशिया में काफी यूनिक ग्रिल का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर कंपनी ने बाई फंक्शनल डीआरएल का इस्तेमाल किया हुआ है ग्रिल्स के अंदर, यानी इसके ग्रिल्स के अंदर आपको डीआरएल भी देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा। अगर ये कार इंडियन मार्केट में आती है कम कीमत में तो डेफिनेटली ये तबाही मचाने वाली है, लेकिन यहाँ पर हुंडई की तरफ से कोई भी न्यूज नहीं है। मतलब फिलहाल के लिए तो हुंडई कंपनी इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं करेगी, शायद आने वाले समय में कर सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो हुंडई कंपनी क्रेटा को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, यानी क्रेटा का जो फेसलिफ्ट वेरियंट है उसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि न्यू क्रेटा के ग्रिल्स के ऊपर भी आपको लाइटिंग सेटअप मिलने वाला है, जिस तरह से अजेरा के अंदर दिया जाता है सेम तरीके से आपको अब नए क्रेटा के अंदर लाइटिंग सेटअप मिलने वाला है, तो ये भी काफी कमाल की बात है। रही बात कीमत की तो इस कार को अलग अलग देशों में बेचा जाता है। साउथ कोरिया में इस कार की कीमत 21 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। इंडिया में अगर ये कार लॉन्च होती है तो इसकी कीमत 30-35 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी, क्योंकि इसके अंदर काफी प्रीमियम फीचर्स ऑफर करे गए हैं। आपको हुंडई की ये कार कैसे लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, राइड सेफ, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।